हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साधना निरंजन, फैकल्टी ऑफ माउंट टेट्रा जी स्कूल झांसी। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। आज आप सभी सोच रहे होंगे कि मैम आर्ट एंड क्राफ्ट छोड़कर ये बाउल में इतने सारे बिस्किट्स लेकर क्यों है। तो इस समर कैंप में इस बार हम कुछ डिफरेंट बनाना सीखेंगे, मीन्स यम्मी यम्मी चॉकलेट केक, जो इन बिस्किट से 4 इजी स्टेप्स में बहुत जल्दी रेडी होता है। और इसमें हमें पेरेंट्स की बस थोड़ी सी हेल्प चाहिए। जब इसे हम फ्लेम के लिए यूज़ करेंगे, फ्लेम के साथ बनाएंगे। आप इसे विदाउट फ्लेम ओवन के साथ भी यूज़ कर सकते हो, वो भी मैं आपको बता दूँगी। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट स्टेप में मैंने ये पार्ले का हाइड एंड सीक बिस्किट, चॉकलेट बिस्किट लिया है, जो मैंने 4 पैकेट्स लिए हैं। आप चाहो तो 2 पैकेट्स का भी बना सकते हो। 4 पैकेट में मीडियम साइज का केक रेडी होगा, चॉकलेट केक, और 2 में स्मॉल साइज का। अगर हम 2 बिस्किट पैकेट ले रहे हैं ना, तो हमें 1 इनो पैकेट लेना है, सिर्फ 1 इनो पैकेट यूज करना है। और अगर हम 4 पैकेट्स ले रहे हैं तो हमें 2 इनो पैकेट्स लेना है, क्लियर। और 1 फुल कप मिल्क लेना है। ये मिल्क जो है नॉर्मल है, ना कोल्ड है ना हॉट है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने इस पैकेट को खोल कर इसके अंदर के सारे बिस्किट निकाल कर इसके छोटे छोटे हम पीसेस कर लेंगे बाउल में निकाल कर, और इसे ग्राइंडर में मिक्स करके पीसना है अच्छे से। इसे बिल्कुल महीन करना है, अच्छे से ये मिक्स होकर पिस जाए। और अगर इसमें आपको लगता है कि कुछ छोटे मोटे दाने रह गए हैं पिसने के लिए, अच्छे से मिक्स नहीं हुआ है, पिसा नहीं है, तो आप इसे क्या करेंगे, एक छन्नी में जिसे मम्मा आटा छानती हैं उससे हमें इसको छानना है। तो अभी हम पहले इसको तोड़कर पीसें। ओके फ्रेंड्स, मैंने इसको ग्राइंड किया है और इसे इस तरीके से हम बाउल में डालकर, ये देख रहे हैं मेरे पास एक छोटी सी छन्नी है, इसके थ्रू मैं इसको छान रही हूँ अच्छे से। छानने से क्या होगा, ये अब देखो कितना देख रहे हैं, बिल्कुल सॉफ्ट और महीन पाउडर हमारा बिल्कुल बन गया है इसको। बट अगर इसमें कुछ इस तरह से मोटे मोटे बिस्किट्स रह जाते हैं, तो इसको हम दोबारा इस पॉट में डालकर दोबारा पीसते हैं। ओके फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये बहुत महीन पाउडर हो गया है, ये हमारा मिक्सचर रेडी हो गया, बिस्किट का महीन हो गया है। अब सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, ये जो मिल्क है नॉर्मल मिल्क हम इसमें ऐड करेंगे। बस इसे हमें एक बार में पूरा नहीं डालना है, हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। अभी मैंने इसमें 1/4 थोड़ा सा ले लिया है। अब इसे हम पहले इतने को मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद हमें जो हमारा बैटर है वो अच्छे से मिक्स होकर क्रीमी टाइप का बन गया है। वैसे भी ये बिस्किट इतने चॉकलेटी होते हैं, तो सोचो इसका केक कितना यम्मी चॉकलेटी बनेगा, है ना। और इसे हम डेकोरेट भी कैसे करेंगे, चॉकलेट को मेल्ट करके, तभी हमने इसके अंदर अभी शुगर ऐड नहीं की है। और इसमें शुगर ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं है, ऑलरेडी ये बिस्किट चॉकलेट और जो इसकी मिठास होती है, इसमें जो स्वीट होता है, उसका लेवल बराबर रहता है। अगर हम इसको नॉर्मल भी खाएंगे विदाउट कोई डेकोरेशन, या इसमें कोई ऊपर से चॉकलेट का डेकोरेशन नहीं कर रहे हैं, सिंपल इसको बेक करके खा रहे हैं, तब भी ये यम्मी लगता है। बस इसको हम थोड़ा अगर गर्म गर्म खाते हैं तो हमें शुगर थोड़ी कम लगती है, उसके बाद इसकी शुगर हमें नॉर्मल मीठा अच्छे से लगता है। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये कितना क्रीमी और बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है, बिल्कुल क्रीम की तरह ये बैटर हमारा रेडी हो गया है। और इसमें मैंने फुल पूरा ये मग मिल्क ऐड किया है। अब इसमें हमें इनो ऐड नहीं करेंगे, इसे हम लास्ट स्टेज पे ऐड करेंगे, क्योंकि इसके ऐड करने के बाद हम इसे इस बैटर को ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रख सकते। जिस पॉट में, जिस बाउल में हमें इसको बनाना है, बेक करना है, उसमें हमें इसको तुरंत डालना पड़ेगा। तो अभी सबसे पहले हम इसके लिए बाउल देखेंगे कि 4 बिस्किट का बैटर हमने इतना सारा रेडी किया है, इतना मीडियम साइज का केक रेडी होगा, तो उसके लिए ऑब्वियस है बाउल भी हमें थोड़ा बड़ा लगेगा। बाउल के लिए आप इसमें इस तरह का एल्यूमिनियम वाला पॉट भी यूज़ कर सकते हैं, और नॉनस्टिक इस तरह का भी बाउल यूज़ कर सकते हैं। मैं भी ये बड़ा वाला यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे 4 बिस्किट के जो पैकेट्स हैं, जितना ही बैटर उसके अकॉर्डिंग ये ज़्यादा सफिशिएंट रहेगा। इसमें बैटर इतना आ जाएगा, बट फूलने के लिए जो केक जो बेक होता है, फूलता है तो स्पेस इतना ले लेता है, इसलिए मैंने इसको बड़ा बर्तन लिया। जितना भी हमारा बैटर अगर इतना होता है, तो इतना हमें स्पेस, इतना स्पेस हम इसमें ब्लाइंड करते हैं। मैं क्लियर हो गया। तो अब इस बाउल में
बैटर डालने से पहले हमें इसके अंदर एक ब्राउन पेपर लगाना पड़ेगा। अगर आपके पास घर में ब्राउन पेपर अवेलेबल नहीं है तो मैंने तो ये A3 साइज का कतली वाला जो पेपर होता है हमारा कतला वाला वाइट ट्रांसपेरेंट वो पेपर मैंने ले लिया है और इसके ऊपर मैं इस बाउल को रख दूँगी। बाउल रखने के बाद हमें इसके अंदर का सरफेस राउंड पीस चाहिए, उसको निकालने के लिए मैं क्या करूँगी इस तरह से इसको ड्रॉ करूँगी। मैं ड्रॉ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ड्रॉ करने के बाद हम इसे कट करेंगे और कट करने के बाद ही हमें परफेक्ट एक राउंड शेप इसके अंदर पेपर रखने के लिए मिल जाएगा। पेपर हम नीचे क्यों लगाते हैं केक बनाने के लिए, जैसे हमारा केक इसमें बेक होने पर चिपके नहीं, निकल जब ये इजीली निकल जाता है। ओके, तो इस तरह से आप इसको राउंड पेपर कर लीजिए। ये मैंने राउंड पीस कट कर लिया है तो यहाँ पर रखने पर इसके नीचे बेस पर अच्छे से सेट हो गया। इसे सेट करने के बाद हम इस पर ब्रश की हेल्प से या हैंड से भी डायरेक्ट ऑयल थोड़ा सा यूज करेंगे। और थोड़ा सा साइड में भी लगा देंगे, आप चाहो तो इसमें बटर भी यूज कर सकते हो, इज योर चॉइस। ब्रश की हेल्प से इसमें साइड में भी यूज कर रही हूँ और हमें इसको पेपर पे बेस करके इसमें ये प्रोसेस होने के बाद अभी हम इसे अलग रख देंगे। अब हमें लास्ट प्रोसेस क्या करनी थी कि मैं अपने बैटर में इनो के इनो ऐड करना। दोनों पैकेट एक साथ डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इनो ऐड कर दिया और अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, इस बैटर को डायरेक्ट इस बाउल में डाल देना है। मैंने पूरा बैटर इस बाउल में रेडी कर लिया है। अब लास्ट स्टेप हमारी ये है कि इसे हमें बर्नर पर बेक करना है। बर्नर पर मैंने ऑलरेडी 5 मिनट्स पहले एक पैन को गर्म करने रख दिया। इसे हम पैन पर रख कर बनाएंगे, इसे हम बाउल को डायरेक्ट गैस पर नहीं रखेंगे। तो मैंने 5 मिनट्स पहले इस पैन को सिम पर लो हीट पर हीट होने के लिए छोड़ दिया था। अब ये 5 मिनट्स हो गए, इसे हम डायरेक्ट इस पर रख देंगे ऐसे सेंटर में और इसे हमें ढकने के लिए कि इसकी हीट बाहर ना जाए तो मैंने एक कैप भी रख दिया है। इस तरह से ये हमारा रेडी हो गया। अब इसे हम टोटल कितने मिनट बेक करेंगे, 30 मिनट्स, क्योंकि ये हमारा 4 पैकेट बिस्किट का बैटर है। अगर आप 2 बिस्किट पैकेट का केक बनाएंगे रेडी करेंगे तो हम उसमें 1 इनो पैकेट ऐड करेंगे और अगर 4 बिस्किट पैकेट का हम केक बनाएंगे तो इसमें हमें 2 पैकेट्स इनो ऐड करना है। प्लस अगर 4 का है तो 30 मिनट्स बेक करना है और अगर 2 बिस्किट पैकेट्स का है तो 15 मिनट्स बेक करना है। ओके, तो अभी से हम बेक करते हैं। बेक करके जब तक ये बेक होता है हम इसके डेकोरेशन के लिए प्रिपरेशन। आई थिंक 30 मिनट्स से ज़्यादा हो गए, मैंने 35 मिनट्स ले लिए हैं। हम अपने केक को देखेंगे, वाओ इतना फ्लफी और ये बिल्कुल कम्प्लीट हो गया है, बहुत अच्छा बेक हो गया है। तो इसको एक बार मैं नाइफ से पॉइंटेड नाइफ से एक बार चेक करूँगी साइड में थोड़ा सा टिप से और इसको करने के बाद ये देखिए आप बिल्कुल इसमें केक लगकर नहीं आ रहा है, मीन्स हमारा केक अच्छे से बेक हो गया है। इसको हमें साइड में रखना है और ये अब हमारा कूल होगा, पूरे तरीके से कम्प्लीटली ये कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तब हम इसको डेकोरेट करेंगे। अभी आपको इसमें से बाउल में से इसको पलटना नहीं है, अभी पलटेंगे तो ये पूरा टूट जाएगा, इसको हमें ठंडा होने देना। ठंडा होने के बाद फिर हम इस केक को बाउल से सेपरेट करेंगे डेकोरेट के लिए। ओके, तो वेट करते हैं 30 मिनट। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं केक मैंने पूरी तरीके से डेकोरेट कर लिया है। मेरे पास व्हाइट चॉकलेट सॉस पड़ी हुई थी, कुछ चेरीज पड़ी हुई थी और बिस्किट से मैंने इसको डेकोरेट किया। आपके पास घर पर जो अवेलेबल है आप अपने केक को वैसे डेकोरेट कर सकते हैं। मार्केट में व्हिप क्रीम भी अवेलेबल होती है,
उससे भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं इसे रेडी करके। ओके, तो आप सभी इसको ट्राई ज़रूर करना, बनाना, ये बहुत यमी लगता है चॉकलेट केक। आप इसको बिना डेकोरेट करे भी सिंपल खा सकते हैं। सो टेक केयर, गुड बाय।